मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में जो फर्स्ट फाइव प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने पहले पढ़ लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो सिंपली क्वेश्चन है लिखा, बस ये चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शन आपस में बराबर है कि नहीं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें डिवाइड किया, तो इसमें भी कुछ डिवाइड के फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। अब 30 लिखा और 54, अगर किसी को जल्दी जल्दी ज्यादा बड़े टेबल्स अच्छी तरह लर्न है या स्मॉल टेबल्स लर्न है तो काम होता है। और 54 है, अगर डायरेक्टली किसी को समझ आ रहा है तो देख सकते हैं, कोई चेक करो ऐसा टेबल जिसमें क्या है 30 भी आए और 54 भी आए, उसका आंसर 5/9 आना चाहिए। तो 6/5 था, 30 होता है 6/9 था 54, तो आंसर निकल गया इक्विवेलेंट, ये बराबर है। तो इस आंसर इज यस, आर इक्विवेलेंट, हमारा क्या आंसर यस। अब इसी का जो सेकंड पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट है 3/10 एंड 12/50। क्वेश्चन राइट हो गया, क्वेश्चन राइट करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन राइट किया तो दोबारा से वही 3/10 राइट किया और 12/50 था, तो पहले देख लेते हैं बड़ा कौन है, 12/50 बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर डिवाइड करने के बाद ही आए थे, तो मुझे 12/50 को डिवाइड करना है, ऐसे लिखा 12 ऐसे 50 डिवाइड कर रहा हूं मैं किस चीज के साथ, उसके आंसर आने चाहिए क्या 3/10, तो अब आएंगे नहीं क्यों देखो। और 12 का टेबल और 50 का ऐसा कोई टेबल बनता ही नहीं है कि जिसमें 12 भी आया और 50 भी आया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। कैसे, अगर ये करें 3/4 होता है 12, यानी कोई कम है 3/4 क्या हुआ 12 हो, 12 वाली बात तो सॉल्व होगी, पर 50, अब 50 आता ही नहीं किसी के टेबल में, कैसे देखो। अगर 50 को मैं 4 से डिवाइड भी कर देता हूं, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 आया ये 1, 4 2 8 माइनस किया 2 बचा, रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा आंसर नहीं आया। तो हमें अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसके बाद दोबारा से डिवाइड करते हैं, हमारे पास सिंपल सा रहता है 2, मैंने 2 से किया तो ये 6 आया और नीचे वाला 20 का, तो ये बराबर नहीं आ रहा 3/10 के, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होता किसी और से, तो नॉट, इसका आंसर आएगा नो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कभी नहीं बनेगा क्योंकि इसके आंसर बराबर नहीं आते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो इसका लास्ट जो पार्ट रहेगा 7/13, हमारा ये थर्ड पार्ट है वो 5/11। अब सिंपल सा दिख रहा है यहाँ, एक सबके सब प्राइम नंबर है तो उनके आंसर तो कभी बराबर आएंगे ही नहीं, 7/7 से ही डिवाइड होता है, 13/13 से, 5/5 से ही डिवाइड होगा, 11/11 से, तो इसका आंसर डायरेक्टली नो लिख रहा, रीजन बता दिया, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर से, क्या है सबके सब प्राइम नंबर से। तो अब हम जो सीख रहे हैं नया मेथड उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म सीखेंगे, आज हम सिंपलेस्ट फॉर्म के थोड़े से क्वेश्चन करें, सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे आसान भी और डिफिकल्ट भी है। अगर लास्ट क्लास में ये पार्ट है 48/60 लिखा, तो इस जो फ्रैक्शन का है हम कॉमन निकाल रहे हैं और सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। अगर किसी को टेबल आते हैं तो दोबारा बहुत आसान चीज है, अगर नहीं आते हैं तो बुक के जैसे हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, तो एलसीएम मेथड लगाएंगे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करो 48 का एलसीएम निकालो, 48 का एलसीएम निकालो, ऐसे 2 से किया 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये निकल गया 48 का। अब 60 की बारी, 60 का कर 2 से 30, 2 से 2 1 2, 2 5 15, 3 3 5 1 5,
तो हमने एलसीएम निकाल ली 48 में 2 कितने आते हैं 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 ये तो 2 आ गई, एक था घर 3 ये आ गई 5 और 60 तो इसमें आते हैं 2 बार 2 लिखेंगे 3 बार 1 बार और 5 1 बार। तो अब देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन जो आएगा अब वो देख लो, यहां पे 2 और 2 कॉमन है तो 2 लिखा, कॉमन लिख रहे हैं कॉमन कॉमन, तो एक बार दोबारा 2 है 2 लिखा, अब एक बार 3 लिखा तो 3 लिखा, ये आ गया 12। देखो कितना बड़ा मेथड है अगर डिवाइड या मल्टीपल्स या टेबल्स नहीं आते। अब जैसे ही एलसीएम हो गया तो हम 12, अब 48 और 60 को 48 एंड 60 आर डिवाइडेड बाय 12, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 12, तो 12 4 और 12 5, तो सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या आई 4/5। अब नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड से करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट डिवीजन मेथड। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है अब हमारे पास बी पार्ट, बी पार्ट में है 150/60, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो क्या करेंगे 0 से 0 काटेंगे, सिक्स आ गया। और मैक्सिमम सभी को टेबल्स आते हैं, स्मॉल स्मॉल टेबल से राइट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड किया, यहां भी 3 और यहां भी 3, 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे, 3 के टेबल में 6, तो हमारे पास 5/2 इसका आंसर आ गया। देख लो ये वाला सबसे इजीएस्ट मेथड है, सिंपल फ्रैक्शन निकालने का, और एलसीएम वाला सबसे लॉन्गेस्ट है। तो होमवर्क रहता है, चलो एक और कर लें, सी पार्ट कर लेते हैं पहले इसका 84/98, दोबारा से वही फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, किससे 2 से, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं तो इजली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इजली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमने डिवाइड किया, डिवाइड वही हमारा क्या राइट कर, हमने डिवाइड कर, तो मैंने 84 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 8 2 2 4, तो क्या गया 42। वैसे ही 98 को भी डिवाइड करेंगे, अगर वही टेबल आते हैं तो लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, तो आ गया 49। अब डायरेक्टली सबको पता है ये 7 के मल्टीपल्स हैं, किसके मल्टीपल है 7 के, टेबल लर्न चाहिए पहले तो, और डिवाइड करेंगे हम 7 से 7 6/7 इज द आंसर, 6/7 इज द आंसर। जिसके 2 पार्ट रहते हैं वो बहुत स्मॉल है, छोटे भी हैं, तो हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो जो पार्ट्स हैं वो डी और ई पार्ट हैं, डी पार्ट और ई पार्ट, तो डी पार्ट रहता है हमारे पास 12/52, ई पार्ट रहता है 7/28। हमारी जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया, इसी के साथ हम बाकी कल पढ़ेंगे, थैंक यू।